प्रधानमंत्री ने शोध छात्र जितेंद्र प्रसाद की उपलब्धि को सराहा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोध छात्र जितेंद्र प्रसाद की उपलब्धि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के अपने अभियान में सराहा है। जितेंद्र ने गंगा की मिट्टी से बिजली पैदा करने का उपकरण तैयार किया है। इस तकनीक से बिजली उत्पन्न करने में किसी तरह का प्रदूषण भी नहीं होता है। इस छात्र को अभिनव शोध के लिए प्रतिष्ठित गांधीवादी यंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। जितेंद्र प्रसाद MNNIT के प्रोफेसर रमेश कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में 2016 से PhD कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक प्रतिष्ठित कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा ने भगवान गणेश और जीजस को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की है। जब सहपाठियों ने इसके लिए आपत्ति जाहिर की तो छात्रा ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार वह पहले भी हिंदुओं के खिलाफ पोस्ट डाला करती थी। इससे यह सिद्ध होता है कि कक्षा 10 में पढ़ने वाली बच्ची के दिमाग में किस तरह दूसरे धर्मों के प्रति नफरत भरी हुई है। POK में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। POK के मुजफ्फराबाद में प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए सोमवार को लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने झेलम नदी पर विशाल बांध निर्माण को रुकवाने के लिए दरिया बचाओ मुजफ्फराबाद बचाओ, नीलम झेलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो जैसे नारे लगाए। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। गौरतलब है कि मुजफ्फराबाद के लोग वहां पर चीन की उपस्थिति, बांधों के बड़े पैमाने पर निर्माण और नदियों के बहाव मोड़ने से उनके अस्तित्व पर पड़ रहे खतरे को लेकर बेहद नाराज हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उन युवकों को अपने जाल में फंसा रही है जिनकी रिश्तेदारी पाकिस्तान में है। जब भारत के युवक पाकिस्तान जाते हैं तो पहले उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की जाती है। फंस जाने पर ब्लैकमेल कर जासूसी कराई जाती है। नहीं फंसे तो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI रुपयों का लालच देकर उनसे जासूसी कराता है। गोरखपुर के जाफरा बाजार का आरिफ भी हनी ट्रैप में फंस गया और जासूसी करने लगा। आरिफ की बहन की शादी कराची में हुई है, इसीलिए वह पाकिस्तान आता जाता रहता है। आरिफ ने पूछताछ में बताया कि उसे एक फोटो भेजने पर 5,000 रुपया मिलता है। आरिफ के बारे में जानकारी जम्मू में सेना की खुफिया एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए ISI एजेंट से मिली थी। आरिफ इस समय पुलिस की हिरासत में है। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।